सब देख रहे हैं पब्लिक लाइव, मैं हूँ भानु प्रताप। आज हम अयोध्या में हैं, अयोध्या लता मंगेशकर मार्ग पर हैं। आज हम लता मंगेशकर चौक पर, आज यहाँ पर दूर दराज से जो सैलानी श्रद्धालु चलकर आए हुए हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। आइए, कुछ भक्तगण यहाँ अहमदाबाद से चलकर आए, आइए इनसे बात करते हैं। जय श्री राम। आपका प्रभु श्री राम की नगरी में स्वागत है। तो आप लोग कहाँ से चलकर आए हैं? हम अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से आए हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। हम कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे, पर अगर आज का माहौल देखें और आज की जो स्थिति है अयोध्या की, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी हो गई है। और हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो और सुधरेगी, और ये देख के बहुत ही आनंद है। अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी 22 जनवरी को रखा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और जो यहाँ के सीएम है योगी जी भी आएंगे, और जो वीवीआईपी लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, हमारे भारतीय इतिहास में पिछले 500-700 हज़ार वर्षों में बहुत बार हमारे बहुत बढ़िया मंदिरों का ह्रास हुआ, नुकसान हुआ, बार बार फिर बने भी। मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 300-400 साल पहले एक अहिल्याबाई होलकर हुई, जिन्होंने बहुत मंदिरों का उद्धार किया, और उसके बाद कई सौ साल के बाद आज एक युग पुरुष पैदा हुए हैं। एक बार फिर से इतिहास बन रहा है कि इतना बड़ा राम मंदिर आज बना है, हमें बहुत बहुत खुशी है। जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि मोदी जी ने यहाँ पे जो सौगात दी है अयोध्या वासियों को, जैसा कि एयरपोर्ट की सौगात मिली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, और से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, अब आप लोग को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स के माध्यम से? एयरपोर्ट ने पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया है। इनफैक्ट हम अहमदाबाद से आए हैं, अभी पहली फ्लाइट कल ही आई अहमदाबाद, आप तो पहली फ्लाइट के यानी बहुत बड़े साक्षात जो दर्शन आते हैं। और ये नहीं होता था तो आना बहुत रख दिया है कि अब पहली फ्लाइट आपको याद रहेगी जीवन में, कि अहमदाबाद से की याद रहेगी, याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और हम दिल से ये आप कुछ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं मोदी जी के, मतलब हम मोदी जी के घर से आए हैं और हम मोदी भक्त हैं, हमारी तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना समय लगा आपको अहमदाबाद से यहाँ आने में? हमें यहाँ पर 1.5 घंटा भी नहीं, 1.5 घंटे में आप विमान में बैठ के यहाँ आए हैं। पहले के जमाने में जब राम जी आते थे पुष्पक विमान में, हम पुष्पक विमान, पहला विमान था आपका, समझ लीजिए पहला विमान, पहला विमान हमारा ही था। इतिहास में ये नाम हो जाएगा कि पहला विमान, इसके बाद जो आएगा वो तो बात अलग है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अहमदाबाद जो फ्लाइट आई आप चल के, हम उससे चलकर आए हैं, मोदी जी के राज में आए हैं हम। जी जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी सुविधाएं अब हो गई हैं अहमदाबाद से यहाँ पे आने की। और बाकी यहाँ पे जो मंदिर अब भगवान राम को अब स्थापना होगी, जब तब एक वो दर्शन और करने हम कोशिश करेंगे अगर हमें मौका मिलेगा 22 तारीख को आने का। तो अब जो एयरपोर्ट बना है, क्योंकि अयोध्या में पहले ऐसा नहीं था, लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट के बन जाने से लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेन से आते तो 3 दिन लगता, लेकिन एयरपोर्ट के आने बन जाने से आपको 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच। बिल्कुल सही बात है, हम अगस्त में भी आए थे यहाँ पे पिछले वर्ष अगस्त के महीने में, तो ऑफकोर्स 2 फ्लाइट लेके आना पड़ा, फ्लाइट तो थी नहीं यहाँ पे, तो हमें पहले लखनऊ आए थे, फिर लखनऊ से हम टैक्सी करके कैब करके यहाँ पे आए थे, तो उसमें कम से कम 1 दिन पूरा लग गया था हमारा आने में। तो पर इस बारी तो क्या 1.5 घंटे में आ गए, और ऐसे ही हम वापस भी चले जाएंगे। तो बंसल जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे आने की जो प्रेरणा है वो ये है, बंसल है इनका नाम, LR बंसल, ये बताएंगे आपको। ये हमारे सारे जो मित्र हैं इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इसी से आपको पता लगेगा कितना आनंदित हैं सभी। बहुत उत्सव का माहौल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और राम जी की नगरी में हम हैं। उस राम जी की नगरी में अगर 4 चांद लगाए हैं तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने लगाए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, अनबिलीवेबल वर्क है, और ये मोदी जी की एफर्ट से ही ये पॉसिबल है। जैसा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, आपको कैसा लग रहा है कि जो प्रभु श्री राम अपने रामलला जो हैं अपने मंदिर में विराजमान होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है इस चीज की, और इसीलिए हम आए हैं दोबारा से यहाँ पे और आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि प्रभु श्री राम की जो नगरी है, इतनी दूर से आप चल के अहमदाबाद से, यहाँ तो लोकल जो अयोध्या के हैं वो तो आएंगे ही, बट लेकिन आप इतनी दूर से चल के आए हैं प्रभु श्री राम के। हाँ, ये भगवान ने हमें बुलाया है यहाँ पे, श्री राम ने हमें बुलाया है, हम धन्य हो गए। एक्चुअली हमें लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में ही घूम रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है, धरती पे है। उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोदी जी का बहुत। तो आप लोग अहमदाबाद में क्या करते हैं? हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं, हम लोग एक काम कंपनी में, हम लोगों के लिए घर बनाते हैं, एक रियल एस्टेट कंपनी है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है, उसका काम है कि लोगों के लिए घर बनाया जाए। जैसे जैसे हमारी सरकार ने राम जी का नया घर बनाया है, हम साधारण मनुष्यों का घर बनाते हैं।
धन्यवाद। जैसा कि लोगों से बात की और ये अहमदाबाद के सारे श्रद्धालुगण जो चलकर आए हैं इन्होंने से बात की, इन्होंने बहुत बताया कि हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, अयोध्या से भन किया।